हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाएंगे साबूदाना के फ्राइम्स। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, मार्केट से भी अच्छा और टेस्टी ये फ्राइम्स आप घर पर ही बना के तैयार कर सकते हैं। और इस साबूदाना के फ्राइम्स बनाने की खास बात क्या होती है कि आपको इसे बनाने के लिए गैस जलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ना तो साबूदाना को पकाने की। बिना पकाए आप इस साबूदाना के पापड़ को बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी और मुँह में जाते घुल जाए ऐसे ही साबूदाना के पापड़ बनते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते पापड़ की रेसिपी बनती कैसे है। इसे बनाने के लिए यहाँ पर हमने एक कप साबूदाना को रात भर के लिए भिगो के रख दिया था और हमारे साबूदाना एकदम फूल के बढ़िया सा सॉफ्ट हो चुके हैं। जब आप इस दाने को अच्छे फिंगर से इस तरीके से दबाएंगे तो बिल्कुल मैश हो जाएगा, तो आप समझ जाएगा कि दाने बिल्कुल परफेक्ट फूले हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम साबूदाना को क्या करेंगे, इसे पीस के तैयार करेंगे। इसके लिए यहाँ पर हम लेंगे एक ग्राइंडिंग जार और इसमें डाल देंगे यहाँ पर साबूदाना। आज की जो रेसिपी है वो बिल्कुल डिफरेंट है और आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी मैंने शेयर की, जिसे आप मिनटों में आप इस साबूदाना के पापड़ को बना सकते हैं। जिन्हें पापड़ बनाना थोड़ा सा झंझट लगता है, ये रेसिपी आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो देखिए यहाँ पे हमने पेस्ट के तैयार कर लिया है, ये देखिए एकदम परफेक्ट यहाँ पे साबूदाना का स्मूथली पेस्ट बन गई, बिल्कुल रेडी है। ये देखिए एकदम क्रीमी इसका टेक्स्चर आया है। तो चलिए इसे हम निकाल लेते हैं एक बाउल में। तो इसी तरीके से यहाँ पर हम साबूदाना को पीस के तैयार करेंगे। तो थोड़ा बहुत साबूदाना बच गया तो मैं यहाँ पे इसे सेकंड बैच में इसे पीस लेती हूँ। तो देख सकते हैं साबूदाना का टेक्सचर कितना ज़्यादा परफेक्ट लगे, एकदम क्रीमी फॉर्म में लग रहा है। और देखने में फ्रेंड ये बिल्कुल नहीं पता चल रहा है कि ये साबूदाना का पेस्ट है। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पे सेकंड बैच वाले को भी पीस लिया है, ये देखिए साबूदाना का। अगर पीसते समय आपको थोड़ा सा मिक्सर ड्राई लगे तो आप यहाँ पे 2 से 3 चम्मच पानी का इस्तेमाल कर लीजिएगा। और ये देखिए यहाँ पे हमने बढ़िया सा हमारा साबूदाना का स्मूथली सा पेस्ट बिल्कुल रेडी है, देख सकते हैं। इसे एक बार अच्छे से मैं मिक्स कर लेती हूँ और बस ये देखिए कितना परफेक्ट बन गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे यहाँ पर नमक, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालिएगा। और बस नमक डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पर आपको कोई भी सोडा का इस्तेमाल नहीं करना है, बिना सोडा डाले आप ये साबूदाना का पापड़ बना सकते हैं। ये देखिए तो अच्छे से मैंने मिक्स करके रेडी कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इस साबूदाना का जो बैटर है इसे हम 3 अलग बाउल में निकाल लेंगे। ये देखिए तो मैंने यहाँ पे 3 कटोरियाँ ले ली, इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा बैटर निकालेंगे। आज हम बनाएंगे साबूदाना के फ्राइम्स, तो इसे मैं थोड़ा सा कलरफुल बनाऊंगी। तो थोड़ा थोड़ा सा बैटर मैं यहाँ पे इसे निकाल लेती हूँ। तो बैटर की थिकनेस आप देख सकते हैं, कुछ ऐसे ही आपको रखना है, बिल्कुल पतला नहीं करना है, ऐसे ही गाढ़ा ही रखिएगा। और इसके बाद मैं यहाँ पे इसमें कलर डाल दूंगी। तो पहले वाले बाउल में मैं यहाँ पे येलो फूड कलर डाल रही हूँ, दूसरे वाले में मैं यहाँ पे डाल दूंगी ऑरेंज फूड कलर। आप अपने मनपसंद के कलर इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको पसंद है, या फिर आप इसे वाइट ही बना सकते हैं। पर कलरफुल बनाएंगे तो पापड़ देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं। और देखिए मैंने इसमें डाल दिया है कलर, अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देख सकते हैं ये येलो वाला कलर कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और बस मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसी तरीके से दोनों कलर को बिल्कुल ऐसे ही मिक्स करके हम इसे रेडी कर लेते हैं। और ये साबूदाना का पापड़ फ्रेंड बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, एकदम इजी रेसिपी है, आप इसे मिनटों में बना के तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमने ऑरेंज वाला मिक्स कर लिया है बैटर, ये बैटर बिल्कुल रेडी है। और इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये दूध का पैकेट इस्तेमाल किया है। दूध के पैकेट से आज हम इस पापड़ को बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इस पैकेट के अंदर बैटर को फिल कर लेते हैं। तो पहले मैं यहाँ पे ग्रीन वाला बैटर मिक्स कर रही हूँ साबूदाना का, ये देखिए। तो इसमें हमने बैटर को डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, अच्छे से इसको एक बैटर को इस तरीके से कर लेंगे ताकि पापड़ अच्छे से बन जाए। ये देखिए इसी तरीके से हम यहाँ पर सभी को फिल करके तैयार करेंगे। और इसके बाद हम यहाँ पे इसे कट करेंगे पापड़ बनाने के लिए। तो देखिए हमने इसे रेडी कर लिया है। तो चलिए अब हम पापड़ बनाने के प्रोसेस में चलते हैं। इसके लिए आप एक पॉलीथीन सीट बिछा दीजिएगा और बस इसी पॉलीथीन सीट पर इस तरीके से पापड़ बनाइएगा। ये देखिए तो मैं यहाँ पे इस तरीके से बना रही हूँ। ये देखिए जैसे मार्केट में मिलते हैं स्क्वायर वाले, तो मैं यहाँ पे इसे जाली वाले शेप में बना रही हूँ और ये सर्कल वाले भी बना ले रही हूँ। ये देखिए बहुत ज़्यादा इजी है, जो आपको डिज़ाइन अच्छी लगती है आप उस हिसाब से आप इस पापड़ को बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कई सारी डिज़ाइन इसकी बनाऊँगी पापड़ की। ये देखिए तो मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके के हार्ट शेप में भी इसे बना ले रही हूँ। ये देखिए
तो कितना ज़्यादा इजी है देख सकते हैं साबूदाना का बन रहा है। और देखने में फ्रेंड ये बिल्कुल नहीं पता चल रहा है कि ये पापड़ साबूदाना का बना हुआ है। ये देखिए कितना ज़्यादा प्यारा इसका लुक आ रहा है साबूदाना के पापड़ का। तो इसी तरीके से यहाँ पर हम सभी साबूदाना के पापड़ को बना के तैयार कर लेते हैं। आपको इसमें कोई भी डिज़ाइन अच्छी लग रही हो तो आप उस हिसाब से आप इस पापड़ को बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 3-4 डिज़ाइन के पापड़ इसके बना लिए। ये देखिए आप इस तरीके से सर्कल वाले भी इस तरीके से बना सकते हैं। ये देखिए कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है बनने के बाद। तो ऐसे मैं यहाँ पे सभी को बना के तैयार कर लेती हूँ। और ये लीजिए यहाँ पे हमारे पापड़ का लुक कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा। और इसी तरीके से फ्रेंड यहाँ पर हमने इस तरीके से देखिए येलो वाइट ऑरेंज यहाँ पे हमने देखिए कितने ज़्यादा कलरफुल ये पापड़ बना के तैयार कर लिए हैं। अब हम इस पापड़ को इस तरीके से बना करके इसे सूखने के लिए छोड़ देंगे। आप इसे धूप में सुखाएंगे तो इसे एक दिन में पापड़ आपके सूख के तैयार हो जाएंगे। पंखे के नीचे भी सुखा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको सूखने के बाद दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पर हमने पापड़ को एक दिन की धूप में बढ़िया सा सुखा लिया था। पापड़ का लुक कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। एकदम कलरफुल हमारे ये साबूदाना के फ्राइंस बन के तैयार हो चुके हैं। आप इसे इंजॉय कीजिए। इस होली पे आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आप जैसे मैंने यहाँ पे साबूदाना के फ्राइंस बनाए, आप यहाँ पे चावल के मैदे के भी बना सकते हैं। पर साबूदाना के फ्राइंस बहुत ही ज़्यादा इजी होता है बनाना। आपने देखा इस वीडियो में इस साबूदाना के फ्राइंस बनाने के लिए ना तो आपको साबूदाना पकाने की ज़रूरत पड़ी ना तो आपको गैस जलाने की। मिनटों में आप इस साबूदाना के पापड़ को बना के तैयार कर सकते हो। देखने में इसका लुक कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तो मैं आपको इस पापड़ को फ्राई करके भी दिखाऊँगी। फ्राई होने के बाद साइज थोड़े से डबल हो जाते हैं और एकदम खस्ता और क्रिस्पी भी बनते हैं। तो चलिए इसे हम फ्राई कर लेते हैं। और इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पे हमारे साबूदाना पापड़ कितने बढ़िया से फूल रहे हैं। कितना परफेक्ट पापड़ हमारा रेडी हो चुका है। तो ये बच्चों को ये पापड़ बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। कलरफुल पापड़ तो हर किसी को बहुत पसंद आता है। तो देखिए इस तरीके से मैं यहाँ पे सर्कल वाले को भी इस तरीके से फ्राई करें, देख सकते हैं पापड़ कितनी बढ़िया से फ्राई हो रहे हैं। तो ऐसे सभी पापड़ को मैं यहाँ पे फ्राई करके तैयार कर लेती हूँ। और ये लीजिए फ्रेंड यहाँ पर हमने अपने पापड़ को फ्राई करके रेडी कर लिया है। आप इसका लुक देख सकते हैं कितना ज़्यादा सुंदर पापड़ का लुक आया। मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि हमारे पापड़ कितने ज़्यादा सॉफ्ट एकदम खस्ता पापड़ बने हुए हैं। ये देखिए यदि आपको ये साबूदाना के फ्राइम्स की रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस होली पे आप भी रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। फिर मिलते हैं फ्रेंड एक और नई रेसिपी के साथ।